The day I have explained you about vegetable. So today we are going to write underground vegetable and above vegetables in our EVS notebook. So children, first we are going to write in our EVS notebook. Above ground vegetables, underground vegetables. So this way we will make two parts, different parts, above and underground. So this way also we will draw also, we put a line in between. Okay, so student, first I'm going to write about above ground vegetables. Okay, so please open your book now and write CW. CW, now on the first line write above, A B O V E, above ground, G R O U N D, ground vegetable, B E G E T A B L E S, vegetable. So first above ground vegetable कौन सी है जो ground के ऊपर अंदर नहीं उगती है. Okay, तो first we will write the vegetable name is tomato. Tomato मतलब टमाटर. Brinjal, so B R Br I N in J J A L jal, brinjal, bangan. Third one is ladies, L A D Y S, ladies, finger, F I N G E R, ladies finger मतलब भिंडी. फोर्थ वन इज पीस मतलब मटर, पी ई ए एस, पीस. ओके चिल्ड्रंस, अबाव ग्राउंड वेजिटेबल्स टोमेटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड पीस. नाउ सी दिस वे ओनली, आपको एक लाइन, यू हैव टू लीव वन लाइन, ठीक है, और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको वापस अंडर ग्राउंड वेजिटेबल्स के बारे में लिखना है. ओके, नाउ आपने एक लाइन छोड़ी, यू हैव लिव वन लाइन, नाउ वी विल राइट अंडर ग्राउंड वेजिटेबल. सो आफ्टर लिविंग वन लाइन, अंडर मतलब ये ग्राउंड के अंदर सब्जियां उगती हैं, यू एन D E R, under ground, G R O U O U N D, ground vegetable, B E G E T A B L E S, vegetable. So first पोटैटो मतलब आलू, पी ओ टी पॉट एट ओ पोटैटो. सेकेंड वन इज ऑनियन, ओ एन आई ऑन आई फिर वापस ऑन, ऑनियन. गार्लिक, ग जी ए आर एल आई सी, गार्लिक, कांदा इसको बोलते हैं, ऑनियन, गार्लिक मतलब लहसुन. फोर्थ वन इज कैरेट मतलब गाजर, सी ए आर कैर रेट,
ROE कैरेट. ओके अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स इस तरह लिखनी है हमने, पोटेटो ऑनियन गार्लिक एंड कैरेट. नाउ चिल्ड्रन वी हैव रिटन हियर दिस स्पेलिंग ऑफ अबाव ग्राउंड एंड अंडर. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ. हम लोग जैसे लिखा है ना आपने उसी तरह आपको यहां से बीच में लाइन करनी है. एक जो लाइन आपने छोड़ी है ये ऊपर के वेजिटेबल्स अबाव एंड नीचे के वेजिटेबल्स आपको ड्रॉ करने अंडरग्राउंड. सो चिल्ड्रन नाउ ड्रॉ वन लाइन. एक लाइन बीच में आपको ऐसे बनानी है. ओके सो फर्स्ट हमने क्या लिखा था अबाव ग्राउंड. सो वी विल मेक पिक्चर्स ऑफ टमेटो ब्रिंजल लेडी फिंगर एंड पीस. सो फर्स्ट पिक्चर इज टमेटो. टमाटर की पिक्चर बनानी है. मेक अ सर्कल लाइन अप डाउन कम अप डाउन कम अप. टमेटो. ओके नाउ बैंगन ब्रिंजल लाइक स्लांट लाइक एस कम गो अप स्लोली स्लोली. ओके नाउ स्लांट गो अप गो डाउन नाउ गो लिटल अप गो. ओके नाउ लेडी फिंगर ले टमेटो ब्रिंजल लेडी फिंगर. मतलब आपको अभी भिंडी की पिक्चर बनानी है. आपने टमेटो टमाटर की बनाई आपने बैंगन की. नाउ वी विल ड्रॉ लेडी फिंगर प्लांट लाइन लाइक दिस. वी हैव टू जॉइन दिस लाइन. ठीक है स्मॉल स्मॉल सर्कल सेमी सर्कल. ओके टेक अ लाइक दिस गो अप. ठीक है लेडी फिंगर. नाउ पिक्चर ऑफ पीस मतलब मटर स्लांट कर्व दिस इज पीस मटर. ओके सो दिस वॉज द अबाव ग्राउंड वेजिटेबल. नाउ वी विल मेक अंडरग्राउंड वेजिटेबल इज फर्स्ट वन इज पोटैटो डॉट्स आलू की आपको पिक्चर बनानी पोटैटो. देन कम्स अनियन लाइक दिस लाइक सर्कल कीप अ डिस्टेंस स्मॉल साइड लाइन कीप अ डिस्टेंस सर्कल ज्वाइन करना है. फिर आपको यहाँ पे स्मॉल स्मॉल ऐसे लाइंस बनानी है. ओके आप डाउन अप डाउन. ओके नाउ वी विल मेक सम स्लांटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन हियर स्लांटिंग लाइन कर्व में लेना है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ ऑनियन. नाउ वी विल मेक गार्लिक. ओके सो सेम लाइक दिस कम लाइन सर्कल सर्कल लाइक दिस दिस इज व्हाट गार्लिक मतलब लहसुन. नाउ लास्ट वन इज कैरेट. सो स्लांटिंग लाइन विल फ्रॉम दिस पॉइंट विल गो अप अदर स्लांटिंग लाइन like this will take a curve. Okay now we will make little like a hairs hote hai na roots hote hai na like this small slanting line. Now we will make a leaf like this.
this way simple I have drawn the pics of above ground vegetables and underground vegetables. So children, see, this way I have written in the EVS notebook. See, CW, above ground vegetables, tomato, brinjal, lady finger and peas. अब मैंने एक लाइन छोड़ी, आई हैव लीव वन लाइन. सो अंडरग्राउंड वेजिटेबल पोटैटो ऑनियन गार्लिक कैरेट. ओके, इस तरह आपको लिखना है और इसी तरह आपको बीच में ऐसे लाइन करके दोनों का डिफरेंस दिखा के आपको अबाव वेजिटेबल्स ड्रॉ करने हैं और अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स भी ड्रॉ करने हैं. ओके, सो चिल्ड्रन दिस इज सी डब्ल्यू. नाउ यू कंप्लीट एच डब्ल्यू सेम जैसे ये हम लोग ने लिखा है सी डब्ल्यू में. ओके, बाय स्टूडेंट्स.